हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तरु वाटिका में। हाँ जी, आप वीडियो देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करूंगी। तो ये फ्लावर है मॉर्निंग ग्लोरी का और बड़ा ही अट्रैक्टिव कलर है। ऐसे नहीं लगता जैसे इसके सेंटर में एलईडी बल्ब लगा दिया हो छोटा सा, है ना? काफ़ी कलर्स में आते हैं ये फ्लावर, लाइट पिंक, वाइट एंड ब्लूइश शेड में, और मेरे पास ये पर्पल शेड में है। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, बहुत ही प्यारा, खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं जब ये सुबह मॉर्निंग में खिलते हैं। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं खिलते ये, थोड़ी सी जब धूप पड़ती है इनके ऊपर जब पूरा खिलते हैं ये। तो देखिए कितना हेल्दी प्लांट है ये। ये मैंने स्टेयर पे चढ़ाया हुआ है एक, और एक अपने आप से ये ऊपर के पास के प्लांट के ऊपर चढ़ गया। तो ये गलती आप ना करें, इसको अगर आप लगाते हैं तो इसको थोड़े डिस्टेंस पे रखें ताकि ये दूसरे प्लांट की फूड पावर एनर्जी को ना खींचे, ठीक है? इसको हम मोस्टिक पे भी चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है मोस्टिक पर चढ़ा हुआ। लाइक ए पिलर ये लुक देता है आपको अगर हम मोस्टिक पर चढ़ाएंगे इसको। और मैं ये करूँगी एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम। अब तो ये हो चुका है, काफ़ी फैल चुका है और टूट जाएगा अगर मैं इसको निकालूँगी तो। तो इसके बारे में क्या हमें केयर करनी चाहिए ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। शुरू में ही हम आते हैं मिट्टी के ऊपर, स्टार्टिंग मिट्टी से ही होती है, क्योंकि मिट्टी में हमें क्या रखना है इसके लिए ताकि हमें हेल्दी प्लांट मिले। इसमें हमें मिट्टी बनानी है बिल्कुल वेल ड्रेन, जिसमें एक पार्ट गार्डन सोयल, एक पार्ट जमुना सैंड और या फिर कोकोपीट अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, और एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल दो, अगर काउडंग मैन्योर है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है? और ये हमने पोटिंग मिक्स तैयार कर ली इसके लिए, और इसके लिए हम कम से कम 10 इंच का पोट लेंगे। छोटे जो पोट होते हैं उनमें ये चल तो पड़ता है, लेकिन जो इसकी रूट्स होती हैं उसको डेवलप होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, तो वो इतना लंबा प्लांट नहीं जाता है। इसलिए कम से कम 10 इंच का पोट होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक वाटरिंग का सवाल है, वाटरिंग हर प्लांट के लिए कॉमन बात है, ये उसी टाइम करें जब आपको इसकी मिट्टी के ऊपर की लेयर है वो जो ड्राई हो, ठीक है? तभी हमें वाटरिंग करनी चाहिए, नहीं तो जो प्लांट है वो कीचड़ सा बनता रहेगा उसमें और वो प्लांट गल जाएगा आपका। और इसको रखना कहाँ पर है, जब हम इसकी सीडलिंग करते हैं तो 5-6 दिन तो इसको, जब तक प्लांट ऊपर नहीं आ जाता, 6-7 लीफ नहीं आ जाती, तो हमें सेमी शेड में रखना है। और जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है बड़े पोट में, तो हमें ये रखना है बाहर। और बाहर हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको 12 से 2 बजे की जो स्कॉर्चिंग हीट होती है वो इसके ऊपर से ना गुजरे, क्योंकि अगर वो हीट इसके ऊपर से गुजरेगी तो इसके जो लीफ हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अब बिल्कुल ग्रीनरी है ऐसे नहीं होंगे, बर्न होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप को इसके जो लीफ हैं इसके ऊपर येलो कलर के चकते से दिखाई देते हैं या वाइट एफिड्स का अटैक दिखाई देता है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करना है ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे न्यू फ्रेंड जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ उनके लिए ये मैं फिर से बता देती हूँ कि 1 लीटर पानी में एक ढक्कन हम नीम ऑयल का डाल के बिल्कुल मिक्स करके अच्छे से इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। ये प्लांट है या कोई और भी प्लांट है जिस पर वाइट एफिड्स का अटैक है, और उसको हम 3 दिन लगातार बिल्कुल नहला देंगे उसमें। इसकी मिट्टी में भी अगर हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, नीम ऑयल का जो लिक्विड है, तो ये प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे हमें, ठीक है? तो टाइम टू टाइम अगर 15-20 दिन के अंदर अगर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं सभी प्लांट्स पर इंक्लूडिंग दिस प्लांट, तो हमें किसी भी बीमारी का अटैक इन प्लांट्स पर देखने को नहीं मिलेगा।
और खाद का जो सवाल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब अगर हम केमिकल यूज करते हैं, जैसे कई फ्रेंड हैं मेरे गार्डनिंग में जो केमिकल यूज करते हैं, तो वो NPK 1919 यूज कर सकते हैं या 2020, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम यूज करेंगे तो प्लांट बर्न हो जाएगा। और अगर हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक लाइक मी, तो इसके लिए हमें जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बेस्ट है, अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए वो हम यूज कर सकते हैं लिक्विड बनाकर, या फिर बनाना पील का फर्टिलाइजर लिक्विड बनाकर हम लिक्विड की फॉर्म में हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती है तो आप बनाना के जो पील होते हैं उनको छोटा छोटा कैंची से कट करके डायरेक्ट भी डाल सकते हो मिट्टी में, तो वो भी असर दिखाता है अपना, ऐसी बात नहीं है। वो भी 20-25 दिन के अंदर फर्टिलाइजर बन जाता है, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये बात मैंने की डिस्कस आपसे, ये फर्टिलाइजर के बारे में, हीट के बारे में, कहाँ इसको रखना है, कितने घंटे की सनलाइट चाहिए, वाटर के बारे में और खाद के बारे में। तो मेरे ख्याल से मैंने जो सारे पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट इसके वो डिस्कस कर लिए होंगे। हाँ, इसकी सीडलिंग कब की जाती है ये भी मैं आपको बता दूँ, इसकी सीडलिंग जनवरी या फरवरी, मार्च में भी कर सकते हैं, अर्ली मार्च, ताकि आपको इस टाइम इसकी फ्लावरिंग मिल सके। ये फर्स्ट फ्लावरिंग है मेरे प्लांट की, तो इस तरह से हम फरवरी मार्च तक इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और इसके सीड्स कलेक्शन की भी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप सर्च करके देख सकते हैं। मोटे मोटे बिल्कुल ब्लैक कलर के इसके सीड्स होते हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो सीड्स होते हैं इसके, तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो आई होप मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए होंगे आपसे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं, गुड बाय।